तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ लेकर एक अनदर वीडियो आपके अपने चैनल गेम जोन पर। सो बेसिकली आज ये हमारा नया पबजी का वीडियो है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं लेजेंड एक्स के साथ खेल रहा हूँ। तो ये मेरे आगे के जा रहे हैं भाई और बहुत हेल्प करी मेरे मेरी इन्होंने इस मैच में। बस मेरा थोड़ा सा इंटरनेट इशू था जिसकी वजह से अच्छी तरह से खेल नहीं पाई, बातें नहीं हो पाई। वैसे बहुत बढ़िया मैच रहा लेजेंड एक्स भाई के साथ। और भाई भी यूट्यूबर हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं भाई। सो चलते हैं ये गाइस आगे वीडियो की तरफ। और हम और आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और वीडियो की तरफ आओ गाइस। सबसे पहले आप देख सकते हो और अपने बंदे का नाम आया ऊपर, इनसेन देव। सो ये है बस, ये थोड़ी सी बातें बोल रहा था माइक के बिना, कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो थोड़ी सी मुश्किल थी बात करने। और इसके बाद सब ने करा हुआ था, इसी को ही फॉलो किया हुआ था। और हम जाते हैं नीचे। और गाइस पिछली वीडियो में आपने काफ़ी सपोर्ट दिखाया, उसके लिए थैंक यू। और आप देखना 50 से ज़्यादा लोग पचिंके में आए हैं यहाँ पर, देखना आप। थोड़ा सा मेरे इंटरनेट इशू की वजह से ऐसे हो रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेना आज। और फिर आएगा गेम एक्स प्रो के साथ भी वीडियो आने वाला जल्दी, सो उसके लिए स्टे ट्यून है ना। और देखना रहे इतने भाई जल्दी लूट कर रहे थे ना सब, मुझे एक गन तक नहीं मिली मैच के, जब तक इन्होंने 10-15 किल कर दिया और मुझे एक गन नहीं मिली पूरे मैच में भी। मेरे पास नहीं थी गन कोई भी, ठीक है मैं यहाँ पर सही था, बचा हुआ था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे थे भाई यहाँ पर। और सही है गाइस, देखो आप आगे वीडियो करो एंजॉय। और जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो मेरे पास अभी तक कोई गन नहीं है, और थोड़ा सा गेम भी लैग करती थी, आई थिंक नो क्या इशू है। मैं थोड़ा सा देख सकते हो कितना ज़्यादा लैग हो रही है गेम, इंटरनेट इशू था सारा। पर कहीं काफ़ी देर तक जाकर ये सेट हो जाती है गेम। दरअसल मेरा इंटरनेट ख़त्म हो गया था 1.5 GB जियो का, तो इसलिए आया था सब, बाकी सही है। और देखो आ गया ना गेम में वापस, और चलते हैं ऊपर। पर मुझे यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता क्योंकि सब पहले से लूट हुए थे, बंदे बहुत हो रहे थे भाई यहाँ पर, जिस तरफ जाओ बस किल ही किल हो रहे थे। किसी के पास बैरल थी, किसी के पास एक एम्बर, मेरे पास सफिश्ट मुक्का, एक मेडिकल किट थी मेरे पास बस। और ये पता नहीं लोग कैसे किल कर रहे थे मेरे टीममेट ही, लेजेंड एक्स भाई सारे। इसके पास एक गन थी लेजेंड भाई के पास। और चलते हैं आगे, मुझे एक बुलेट लूप मिलता है, इसका क्या करूँ मैं। और ये देखो, और काफ़ी मैच ऐसे चलता रहता है, और अच्छे बंदे भी नॉक हो रहे थे हमारे टीममेट से। और मुझे लगता है कि यहाँ से कोई गन मिल जाएगी, एक गन मिलती है, और इसकी एमो नहीं थी और मैं एमो मांगता हूँ इनसे। और देख सकते हो इंटरनेट का कितना बुरा हाल था। और बस ये गेम प्ले मेरा पूरा बेकार हो गया लेजेंड एक्स वाई के साथ। एक तो इतनी मुश्किल से मौका मिला था और फिर जाकर ये दिक्कत होने लगी, गुस्सा चढ़ गया था एक बार तो। फिर भाई ने कहा चल कोई नहीं दोबारा तेरे साथ फिर खेलेंगे, तो भाई का नेचर अच्छा लगा। और यहाँ पर इन्होंने धीरे धीरे सारा पचिंकी क्लियर कर दिया था, और फिर हम पीछे की साइड जाने लगे थे। और एक टोमी मिल जाती है मुझे यहाँ पर, इसकी भी एमो ख़त्म जैसी थी। फिर यहाँ से मुझे एक शायद एक गन मिल जाएगी, एक और फोरी है यहाँ पर भी। इंटरनेट बस गेम पूरी वर्स्ट हो गई इंटरनेट की वजह से, अगर इंटरनेट अच्छा होता तो गेम बहुत ज़्यादा अच्छा जानी थी। और यहाँ पर जाते हैं, मैं जो सोचता हूँ चलो पिछले घर में चलता हूँ वहाँ पर ले लूँगा एमो, वो भी अनलूटेड था। और इतने में ये अपना इंसेन दे बहुत अच्छे किल करता है, थोड़ी देर बाद ये नॉक हो जाता है। और भाई नॉक हो जाता है, फिर करते हैं भाई की हेल्प।
और अपनी नेड नूड उठा लेते हैं, इनकी बहुत जरूरत होती है मैच में। और भाई इतनी ज़्यादा बसर मच गई थी ना मैच में, पूछो ना, मुझे नहीं लग रहा था भाई कोई करेगा रिवाइव, फिर मैं जाता हूँ इसलिए थोड़ा सा भाग कर, फिर उतने में पता लगता है कि वो भाई हो गया रिवाइव। सही है यार, यहाँ पर मैं अपना ट्रैक चेंज करके इस घर को देखता हूँ, पर ये पहले से ही लूटेड था तो कुछ खास है नहीं था यहाँ पर। मैग तैग मैग मैं उठा लेता हूँ, एक्सटेंडेड मैग, और यहाँ से चलते हैं। और भाई इंटरनेट की दिक्कत से सिर्फ मुझसे एक बोट मरा इस मैच में पूरे में, सो कोई नहीं भाई, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हो कितनी ज़्यादा स्क्रीन शेक कर रही थी। और इसके कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये कपड़े उठा लेता हूँ मैं, और ये कपड़े होते भी लक्की हैं मेरे लिए। देखना अभी अभी बंदा मरेगा मुझसे, एक बंदा पता नहीं बंदी बंदी होती है। एंजल आर्चर बंदी थी ये तो, खैर मर गई। और यहाँ पर कर देते हैं इसे किल, और यहाँ पर मुझे M1614 की एमओ मिल जाती है, जो कि मेरे लिए ठीक थी थोड़ी हद के लिए। और स्कोप स्कूप स्विच करके मैं सेट कर लेता हूँ सब, और काफ़ी हद तक कम से कम 40 से ऊपर बंदे यहाँ थे और वो सब किल करती थे, और 40 अलाइव रह गए थे। अब हाथ 10 सर्वर ख़त्म कर दिया था पिचिंकी पिचिंकी में, और मेरे पास एमो नहीं थी तो मैंने सोचा चलो छोड़ देंगे कोई, पर सबके पास कमी थी एमो की तो नहीं मिल सकी, थोड़ी सी मिल गई चल सही है वो तो। और मुझे यहाँ पर स्कार मिल गई तो वो भी ठीक है, और चलते हैं हम सब उधर। और भाई इतनी जंट किस्मत है ना मेरी, देखना अब जाकर आगे क्या होगा, मतलब सारे जा रहे हैं आगे पीछे, पता नहीं यार क्या भगवान की मेरे से दुश्मनी है, देख लेना बस खुद आप ही, मैं बताऊंगा ना कुछ आपको पता लग जाएगा किस बात में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जाते हैं तो एनिमीज दिख जाते हैं और वो भाग जाते हैं पीछे, और मैं नेट करता हूँ और उतने वो भाग जाता है, और मैं से किल भी, ओ जंप कर रहा था वैसे तो। और सभी इसके पीछे भागते हैं तो आखिरी में उसको किल कर तो देते हैं, बट वही है किल मुझे फिर नहीं मिला इस बार, और मुझे पता नहीं था वो पेड़ के पीछे है, और देखना आगे जाकर, जब तक पता लगता है तब तक तो वो मेरा काम कुम करके भाग जाता है। और देख सकते हो आप यहाँ से एक UMP बड़ी थी यहाँ पर, जो कि मेरे किसी काम की नहीं थी। चलते हैं यहाँ से भी आगे, और ये देखते हैं लूट लाट करते हैं थोड़ी सी, और फिर यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर मुझे हेल्थ किट मिल जाती है, एक ट्रिंक ट्रुंक मिल जाती है जिसकी, और यहाँ पर एक AKM मिल जाती है एक, जिसकी काफ़ी मदद रहती है मेरे लिए। और यहाँ पर उठा के AKM चल देते हैं, सोच लिया था लूट फुल है। और गाइस अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओ वीडियो पर, 4400 सब्सक्राइबर हम हो गए हैं, तो ऐसे ही बस अपना साथ बनाए रखो जल्दी से जल्दी। और करते हैं 1K को टच, 2 मंथ हो गए अपने को चैनल के ऊपर, और 400 सब्सक्राइबर हैं यानी कि एवरेज 200 करती हैं एक मंथ में। बस यहाँ पर बंदा था और मुझे पता नहीं था, और देखना क्या होगा, मैं सोच रहा था कहीं ऊपर है, और ये देखो ये हो गया, और ये लेजेंड एक्स भाई गए और कर दिया ख़त्म। और थैंक यू भाई को, और यहाँ से चलते हैं। एमओ भी दे दी भाई ने थोड़ी सी, कहता कि चलो उठा दे, और M4 कोई उठा लेते हैं मेरे से पहले, जिसकी कोई चलो कोई दिक्कत नहीं है।
एक मोक मुक टेल उठा लेते हैं और अपनी हीलिंग वीलिंग करते हैं। सही था, काम सेट था, सब काम 25 था और यहाँ पर सब हो गया था। तो यहाँ से अब जाने की तैयारी थी और उधर फ्लेयर भी चल गई थी, तो मैं करता हूँ हीलिंग और हीलिंग के बाद वी आर रेडी टू गो। तो चलते हैं, भागते हैं उनकी तरफ। तो सही है भाई साहब, और मैं देख रहा था कि सरकारी नहीं, सरकारी नहीं, वो तो प्राइवेट है खैर, और रेड हो ड्रॉप था। तो लड़का कहता है कि रुक जाओ 2 मिनट, 40 सेकंड 30 सेकंड रह गए हैं, तो रुकते नहीं हैं पर हम, और भगवान करे यहाँ पर मेरी अब किस्मत देखना इतनी जमटा ना भाई, क्या होगा मेरे साथ आप खुद जानते हो। मतलब सारे जा रहे हैं, मेरे आगे भी था एक बंदा, पीछे भी था, मतलब पता नहीं यार मेरी किस्मत में ऐसे क्यों लिखा है। और हीलिंग भी नहीं थी अब मेरे पास, तो अब मरना तय था। पर सॉरी यार मैं सीन दिखा नहीं सका वो वाला, वहाँ पर मैं आ गया था नोक, मेरे ऊपर गिर गया था रेड जोन वाला बम्ब। सो कोई बात नहीं, चलो वो तो गाइस, और यहाँ पर देखना कैसे क्या ही सीन होगा। इसके बाद फिर चिंकी देखते हैं हम क्लियर है तो हम अपनी उठाते हैं गाड़ी और चल देते हैं अपने जॉर्ज भैया के पास, मतलब जॉर्ज पुल के पास। और बैठते हैं अपनी गाड़ी में, और बस यार ये बंदे की अपने की स्किन नहीं खुली थी, स्किन खुली थी पर इसने लगाई नहीं थी गाड़ी पे। और यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर लेजेंड भाई हो जाते हैं नोक, पता नहीं इन्होंने कैसे करके क्या हुआ। और मैनो देर लग गया उनको रिवाइव, और वो मेरा काम करके ये हो गया। और गाइस ये था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।